एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन को ले आया था ये देश में, पौष्टिकता, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन अगर इस पे आ गए तो ये देसी वैरायटीज जो है हमारे लिए बहुत काम आएगा। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए कुछ नया लाने वाले हैं और कुछ इंटरेस्टिंग ला रहे हैं। अब हम आ गए हैं बैंगलोर से कुछ 25 किलोमीटर दूर एक अदिति फार्म से, जिसे हम पॉपुलरली कहते हैं हरियाली सीड्स के नाम से। याद है बचपन में कैसे हमारे नाना नानी दादा दादी बहुत ही जवान रहा करते थे, उन्हें कभी किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती थी, कोई डिजीज़ नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा कुछ अच्छा खाते थे, हेल्दी खाते थे, ऑर्गेनिक खाते थे। अभी की हम बात करें तो किसी का कमर दुखता है बैठे बैठे, किसी के एड़ी दुखती है, किसी के जॉइंट्स दुखते हैं, एक्सेट्रा, बहुत से हमारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। लेकिन आज इस एपिसोड में मैं आपको एक ऐसे खास इंसान से मुलाकात कराने वाली हूँ जो ना केवल ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन ये सारे ही आजकल के वेजिटेबल्स जो हैं और साथ ही जो फ्रूट्स हैं वो एक्सटिंक्ट हो गए थे, यानी कि वो पहले आज के ज़माने में वो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस फार्म में आपको देखने को मिलेगा। और मैं आपसे मिलाने वाली हूँ डॉक्टर प्रभाकर राव जी से, जो एक एग्रीकल्चरिस्ट हैं, साथ ही उन्हें हम कहते हैं सीड कीपर। अब ये सीड कीपर क्या होता है और क्यों खास है और क्यों आज के ज़माने में आपको इस सब की जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए सीधे मिलते हैं प्रभाकर राव जी से और जानते हैं उनकी कहानी क्या थी, वो कैसे ऑर्गेनिक फार्मर बने और क्या उनकी कैंपेन रही है और कैसे वो अपनी कैंपेन को आगे बढ़ा रहे हैं। सर हेलो। हाय, कैसे हैं आप सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले धन्यवाद, आपने हमें शूट करने का मौका दिया। आपकी बहुत अच्छे सा, बहुत ही अच्छा फार्म है आपका और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आप हमें ये दिखाने वाले हैं कि कौन से ऐसे एक्सटिंक्ट वेजिटेबल्स हैं और साथ ही फ्रूट्स हैं जो आप अपने फार्म में उगा रहे हैं और साथ ही अपने जनता को बताएंगे कि कैसे ये आपके और हमारे फ्यूचर को बदलने वाला है। तो सबसे पहले सर आपका वेलकम और साथ ही धन्यवाद। थैंक यू सर। आप अपना, पहले हमने सुना था कि आप पहले केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते थे। बहुत से जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते ही हैं, क्योंकि एक ज़माना था जब हमारे कंट्री को क्या चाहिए, फूड ग्रेन्स चाहिए थे, तो उस वजह से केमिकल फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते थे। तो क्या यही कारण है कि आज बहुत सारा जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, जो मास केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं, या फिर क्या यही एक सोल्यूशन है हमारे फार्मर्स के लिए, या जैसे आप अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो एक सोल्यूशन है? देखिए, एक्चुअली मेरा पढ़ाई तो पहले एग्रीकल्चर में ही हुआ था। तो मैं पंतनगर से मेरा मास्टर्स किया, फिर PhD हेबल में किया। तो मैं एक एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हूँ जो ग्रीन रेवोल्यूशन को ले आया था ये देश में। तो हमारे जो गुरु लोग थे डॉक्टर MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MB राव, वो हमारी गाइड्स थे। तो द जनरेशन ऑफ साइंटिस्ट जो एक रासायनिक खेती को इंट्रोड्यूस किया, उनमें मैं भी शामिल हूँ एज अ साइंटिस्ट, है ना। लेकिन उस टाइम मुझे एक चीज़ बार बार मेरा दिमाग में आ रहा था कि क्या हम ये कर रहे हैं, एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी है कि कुछ 50 साल 60 साल के बाद हमको कुछ इसका बुरा असर पड़ेगा। ये मेरा कुछ अंदर से डाउट आता था, हमेशा आता था। तो मैं जब विदेश गया थोड़ा एडवांस स्टडीज़ करने के लिए, तो मैं एक दिन पूरा चेंज कर लिया मेरा लाइन। तो मैं एग्रीकल्चर छोड़ के जो है मैं आर्किटेक्चर में आ गया। आर्किटेक्चर की पढ़ाई की मैंने बैटन रूज लुइजियाना USA में। फिर सारा मेरा प्रोफेशनल करियर एज एन आर्किटेक्ट ही है ना। अभी भी कुछ बहुत ही जो आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया में, उसमें लैंडस्केप आर्किटेक्चर में मैं डिज़ाइन टीम को लीड करता हूँ। मैं जैसे अपना सरदार वल्लभ भाई पटेल का था प्रोजेक्ट, अपना दिल्ली में अभी जो सेंट्रल विस्टा हो रहा है, कर्तव्य पथ, काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, ऐसा पूना में रिवर फ्रंट्स, ये सब जो है इसमें मैं अभी भी शामिल हूँ एज एन आर्किटेक्ट। लेकिन मेरा पैशन हमेशा एग्रीकल्चर रहा। तो 2011 में मैं जब वापस आया इंडिया परमानेंटली, मैं सोचा कि मैं वापस एग्रीकल्चर में कदम डालता हूँ, लेकिन 360 डिग्री, मतलब नॉट केमिकल, पूरा प्राकृतिक, नैसर्गिक, मतलब ये नेचुरल फार्मिंग जो हम बोलते हैं, जो हमारी वेद पे आधारित है, जैसे वृक्ष आयुर्वेद,
और अपनी कृषि परासर, परासर मुनि की एक किताब है कृषि परासर, तो ऐसी टेक्स्ट पे आधारित जो हमारे पूर्वज लोग करते थे खेती बाड़ी, उसी को मैं अभी प्रचार करता हूँ। मैं 22 लाख किसानों के साथ काम करता हूँ पूरी देश में, और यही मैं प्रोपगेट करता हूँ, क्योंकि जो हमारे उत्पादन पे जो हमने पहले फोकस डाला कि ज़्यादा कटाई, ज़्यादा उत्पादन, उसमें हम एक चीज़ भूल गए कि न्यूट्रिशन, मैं पौष्टिकता कितना है, जो हम उगा रहे हैं उसका क्या पौष्टिकता है, न्यूट्रिशन क्या है। तो यील्ड पर एकर हम ध्यान दिया, लेकिन न्यूट्रिशन पर एकर हमने ध्यान नहीं दिया। तो इसकी वजह से क्या हो गया कि हम जो उत्पादन, इतना उत्पादन अभी आ रहा है जैसे गेहूं का, चावल का, लेकिन न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं, जनसंख्या में न्यूट्रिशन पहुंचा नहीं है। तो दिस इज द वन दैट आई एम ट्राइंग टू कमेंट, मतलब ये मेरा अभी एक लक्ष्य है कि हम न्यूट्रिशन वापस ले आए अपनी फूड में, और इसके लिए हम वापस जाना पड़ेगा अपनी देसी जो वैरायटीज़ है अपनी फूड क्रॉप्स की, जो सब्जियों की, जो धान की, जो गेहूं की, ये सब देसी वैरायटीज़ को रिवाइव करने में हमारी भलाई है फ्यूचर के लिए। तो ये अभी ध्यान दे रहा हूँ, जैसे मैंने एक वैरायटी गेहूं का पुनर्जीवित किया, मैं उसको, वो ऑलमोस्ट गया था, वो एक गोल सा गेहूँ है, मोती जैसा होता है और सोने का कलर होता है उसका, तो उसका नाम सोना मोती दिया गया, श्री श्री रविशंकर जी ने उसका उसका नामकरण किया सोना मोती। लेकिन ये सोना मोती एक ऐसा गेहूं है जिसमें न्यूट्रिशन 3 गुना ज़्यादा है अपनी हाइब्रिड गेहूं से, और इसका जो किसान को क्या फ़ायदा हुआ, जो MRP में सब लोग लड़ लड़ के मरते हैं एक 20 रुपये के लिए, हमारा किसान जो उसमें जो है इसमें 75 रुपये पर किलो मिल रहा है उसको। हाँ, क्योंकि ये ग्लूटेन फ्री है, ये लो ग्लाइसिमिक इंडेक्स है, तो कोई डायबिटिक है तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है ये गेहूँ खाने में। तो ऐसा एक अपनी प्राचीन देसी वैरायटीज़ को हम पुनर्जीवित करते हैं तो हमारी न्यूट्रिशन एक तरह से बहुत बढ़ जाता है। और इट डजेंट मैटर कि आपका कटाई या उत्पादन कम हो, क्योंकि सोना मोती का अगर हाइब्रिड गेहूं का अगर 10 चपाती खाते हैं आप, तो सोना मोती का 4 चपाती खाएं तो आपका पेट भर जाता है, क्योंकि न्यूट्रिशन पहुंच गया तो सिग्नल आ गया ऊपर से कि मैं तृप्त हूं अभी, आई एम सेटिस्फाइड, आई डोंट नीड मोर। तो वी मस्ट नाउ रीफोकस कि हम बार बार इसके पीछे भागे क्या हम लोग, यील्ड यील्ड यील्ड, उत्पादन उत्पादन उत्पादन, या हम इसका मंत्र चेंज करके पौष्टिकता, न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन अगर इस पे आ गए तो ये देसी वैरायटीज जो है हमारे लिए बहुत काम आएगा। तो इसीलिए मैं अभी इनको सेव करने की पूरा कोशिश में लगा हूँ। तो ये एकदम सडन चेंज कैसे आया? और आप साथ ही मैंने ये पढ़ा था कि आप वैदिक एग्रीकल्चर टेक्निक्स यूज करते हैं, तो ये इसकी पढ़ाई, इसका नॉलेज कहाँ से लेकर आए आप? ये कुछ नया था? हाँ, तो जब मैं 2011 में वापस आया तो मेरा सारा लर्निंग ये वैदिक एग्रीकल्चर का अपना आर्ट ऑफ लिविंग आश्रम में ही हुआ। उधर ही मैं पहली बार सुना कि ऐसी चीज़ें होते हैं, पंचगव्य, जीवामृत, गण जीवामृत, बीजामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अग्नियास्त्र, कुणप जल, ये सब मैं पहली बार सुना। तो मैं यही खेत में जब मैं 2011 में आया था तो एक भी घास भी नहीं उगता था इधर, इतना एक भूमि था जो डेजर्ट टाइप था, एक कुछ नहीं था, सब पत्थर ही पत्थर था इधर। तो मैंने सोचा कि अगर इन टेक्निक इस्तेमाल करके इधर अगर मैं हरियाली बिछाऊं तो ये टेक्निक बहुत सक्सेसफुल रहेगा, तो ये मेरा प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट रहेगा। तो ये एक्सपेरिमेंट किया मैंने, जब मैंने देखा इसमें इतना ताकत है, इतना दम है अपनी प्राचीन टेक्निक्स में ये सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करने के लिए, तो मैं तो एकदम कन्वर्ट हो गया, मैं एकदम इसका भक्त बन गया, माने कि अपनी वैदिक एग्रीकल्चर का भक्त बन गया मैं। तो फिर मैं एंशियंट टेक्निक्स और मॉडर्न साइंस, इन दोनों को मैं साथ साथ ले जाता हूँ। तो मेरा टेक्निक्स जो है सीड मल्टीप्लिकेशन का या इसको मैं प्रोपगेट करने का, ये सब टेक्निक्स जो है मेरा आधुनिक साइंस पे बेस्ड है, लेकिन नॉलेज एंशियंट साइंस पे बेस्ड है।
तो इन दोनों का एक तरह से एक मिलाप जो है करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आज जो किसान है जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करके इतने जो उगाते हैं फूड ग्रेन्स उगाते हैं अपना उत्पादन करते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी फॉलो करके उतना ही उत्पादन लाया जा सकता है? उत्पादन का जो शब्द है ना वो डिस्ट्रैक्शन है हमारे लिए। हम लोग फोकस करना चाहिए न्यूट्रिशन पे। अगर न्यूट्रिशन पे फोकस करें तो दिस इज 100 टाइम्स बेटर देन केमिकल फार्मिंग। रासायनिक खेती से अपना ये प्राकृतिक खेती जो है वो बहुत अधिक अच्छा टेक्नोलॉजी है ना। तो हम लोग फोकस करना चाहिए न्यूट्रिशन पे, है ना, उत्पादन पे हम फोकस करेंगे। हाँ, ये मे बी 20% यील्ड कम देगा लेकिन न्यूट्रिशन आपका डबल देगा, तो विच इज़ बेटर, है ना। तो ये एक थोड़ा सा फोकस रहना चाहिए। इसीलिए मैं ज़्यादा आई डोंट गिव फोकस ऑन यील्ड, मैं बस न्यूट्रिशन पे फोकस देता हूँ। तो अभी हम जब बोलते हैं एक्जॉटिक फ्रूट्स, एक्जॉटिक वेजिटेबल्स या फिर एक्सटिंक्ट जो हो गए आपके फार्म में जो आज देखने को मिल रहे हैं, तो उसे आप कैसे डिफाइन करेंगे या कैसे समझाएंगे लोगों को, क्योंकि हमने तो कभी देखा ही नहीं है। जी, मैं मेरा डिफिनेशन बहुत सिंपल होता है, जो भी वैरायटी से आप खुद बीज से बीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं वो हो गए आपकी हेयरलूम इंडिजिनस वैरायटी, है ना। क्योंकि हाइब्रिड बीज जो अभी मिलता है आपको बाजार में, है ना, हाइब्रिड बीज से किसान बीज नहीं बना सकता, आप भी बीज बना नहीं सकते हाइब्रिड बीज से, वो हर बार जो है आपको कंपनी से खरीदना पड़ता है। लेकिन देसी बीज एक ऐसा चीज़ है जो आप खुद बीज से बीज बना सकते हैं। तो मेरा डेफिनेशन ऑफ एग्जॉटिक, हेयरलूम, ओपन पॉलिनेटेड, देसी, इंडिजिनस, इसका सब एक ही डेफिनेशन है मेरा। जिस बीज से बीज बना सकते हो वो अपना इंडिजिनस वैरायटी है, हेयरलूम वैरायटी है, एग्जॉटिक वैरायटी है ना। एग्जॉटिक का मतलब ये नहीं कि दूसरे देश से आया, है ना, ये तो अपना ही है, अपना ही देसी है ये। लेकिन इसका ये मतलब है कि ये बीज का मल्टीप्लीकेशन किसान के हाथ में है और होना भी चाहिए। ये तो कुदरत ने दिया है हमको, ये कोई कंपनी ने नहीं दिया हमको बीज, ये तो कुदरत ने दिया है। जो कुदरत देता है वो तो हर एक के लिए है ना, ऐसा नहीं कि कोई चुने चुने कंपनियों को देता है कुदरत, नहीं, नेचर गिव्स फॉर एवरीबॉडी ना, तो उसका रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो मेरा यही कोशिश है कि किसान के हाथ में वापस बीज को मल्टीप्लाई करने का पावर आना चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे वो एक सिटी में अर्बन गार्डनर हो, है ना। दो गमले आपके बालकनी में हैं तो आप बीज रक्षक बन सकते हैं, है ना, देसी बीज लगाया, उसको मल्टीप्लाई किया, आपकी दोस्तों के साथ उसको बांटा, तो आप सीड कीपर बन गए। तो ये एक जो अपना संप्रदाय था, एक कल्चर था सीड सेविंग का, उसको रिवाइव करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर हम खो जाएंगे, इसको हम खो जाते हैं तो बहुत बुरा असर पड़ेगा हम। तो आप उन सारे अर्बन फार्मर्स को क्या कहना चाहेंगे, वो ये जो सीड कीपिंग, आपको जो ये टाइटल मिला है, आपको बोला जाता है सीड कीपर, तो ये क्या होता है और कैसे कोई भी सीड कीपर बन सकता है, जैसे आपने कहा मैं भी बन सकती हूँ? जी जी, तो इसमें क्या है ना कि आप हर एक आदमी बीज रक्षक बनना है, क्योंकि सिटी में जो गार्डनर्स है वही लोग जो है अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं इन प्राचीन वैरायटीज़ का। आप फेसबुक में डालेंगे, इंस्टा में डालेंगे, कहीं लाल कलर का भिंडी है पर ब्राउन कलर का कैप्सिकम है, तो जब तक लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये असल में हमारे नेटिव माने कि अपनी देसी वैरायटीज़ है, तब तक उसका डिमांड नहीं रहेगा। जब डिमांड नहीं रहेगा तो किसान उसको उगा नहीं पाएगा, अगर उगाएगा तो कोई खरीदेगा नहीं, वो बोलेगा अरे ये क्या है, कुछ कलर डाल के दे रहे हो हमें, है ना। तो ये अवेयरनेस क्रिएशन तो सिटीज़ में ही हो सकता है और ये होता है अर्बन फार्मर्स के साथ, है ना। तो अर्बन फार्मर्स जब तक इसको प्रोपेगेट करके इसका अवेयरनेस नहीं बनाएंगे तब तक ये बीज सेव नहीं होएगा। तो ये अवेयरनेस आप कैसे करते हैं, मतलब तो, आप कोई कैंपेन रन करते हैं, जैसे मैंने पढ़ा था सेव द सीड कैंपेन के बारे में, तो वो ये कैंपेन क्या है और कैसे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं?
तो हम मैं ये डिजिटल मीडिया यूज़ करता हूँ, टेड टॉक्स यूज़ करता हूँ, आपकी चैनल्स जो हैं बहुत सारे चैनल, CNN, BBC, हिस्ट्री चैनल, नेट जियो, ये सब चैनल्स कवर करते हैं, है ना। जब ये कवर करते हैं तो ये प्रचार होता है, और मैं इसको बहुत ही साइंटिफिकली ये बीज को मल्टीप्लाई करके इन बीजों को जो है मेरे वेबसाइट में डालते हूँ। आप खरीदते हैं उसको, फिर आप ग्रो करके जो है उसको मल्टीप्लाई करते हैं, फिर आप बांटते हैं उसको, है ना, फिर आप पोस्ट करते हैं कि देखो मैंने जो है पर्पल कलर का चिली मिर्ची मैं उगाया, तो आपको 1000 लाइक्स तो वैसे ही आ जाएगा, है ना। तो ये एक तरह से जो है एक साइकिल है, जब ये बनेगा फिर ये बीज सुरक्षित रहेगा। तब तक बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, हम अभी भी बहुत कठिन परिस्थिति में है। तो जैसे एक स्टडी के बारे में आपने मेंशन किया था, अमेरिकन रिसर्च फाउंडेशन वो वाला स्टडी, तो उसमें पता किया गया था कि 560 ऐसे वैरायटीज हैं जो खो गए हैं आज, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कौन से इतने वैरायटीज हैं जो खो गए हैं और साथ ही कितने आपने कोशिश किए हैं वापस लाने के लिए? जी, एक्चुअली वो रिसर्च स्टडी ये बोल रहा था कि जस्ट 100 साल पहले आपको बाजार में जाता है तो 560 वैरायटीज टोमेटो मिलता है। हाँ, सिर्फ टोमेटो 560 वैरायटीज था, है ना। तो अभी ऑलमोस्ट 99% हमने खो चुके हैं उसका। अभी उसमें से जो है हमारी वेबसाइट में कितना, एक 35-40 वैरायटीज टोमेटोज मिलेंगे आपको, है ना। हाँ, तो 500 तो गया, है ना, तो वी हैव लॉस्ट मोस्ट ऑफ इट, है ना। तो इसीलिए जो है अभी जितना भी बच्चा है इनको सुरक्षित करना, इट इज़ लाइक टॉप प्रायोरिटी। अगर 2-3 साल और निकल गया तो ये भी चला जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना। तो मेरे यहाँ हरियाली सीड्स में मैं ऑलमोस्ट 5500 वैरायटीज़ को सेव करने की कोशिश किया, और कुछ लास्ट काउंट में 516 वैरायटीज़ वेजिटेबल्स में सेव किया, है ना। बट दैट मीन्स 3:1 हिट रेट, मतलब 3 मिला तो 1 बच गया, है ना। तो ऐसा अभी जितना भी बचा है, अभी भी है, अभी नहीं, आदिवासी एरिया में इंडिया में अभी भी काफ़ी है कुछ वैरायटीज़, लेकिन इनको ढूंढना, फिर इनका बीज ले आना, फिर स्टेबलाइज करना, इसको स्टेबलाइज एनवायरमेंटली जेनेटिकली स्टेबलाइज करने में 4-5 साल लगता है। हाँ, तो इसको सब करके ही मैं ऑनलाइन डालता हूँ, तो ये टाइम लगता है, इतना स्टडी करना, इतना एक्सपेरिमेंट्स करना पड़ता है इसमें, तभी ये सुरक्षित रहता है। तो यहाँ पे जो आपने बीज इतने लाए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो सारे अक्रॉस इंडियन स्टेट से लेकर आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, I have got it from all areas of India, all corners of India. जी, जैसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, कर्नाटका में मलनाड एरिया वेस्टर्न घाट्स में, फिर आपको तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश जिसे बैंगन आपने देखा था, फिर छत्तीसगढ़ से काफ़ी वेराइटीज़ देखें, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र, छत्तीसगढ़, वो एक रीजन में बहुत सारे मिलते हैं। फिर नॉर्थ ईस्ट बहुत ही फैंटास्टिक है वैरायटीज़ के लिए, तो नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी मिलता है। फिर हिल्स में जैसे उत्तराखंड, ये एरियाज़ में काफ़ी मक्के के वैरायटीज़ वगैरह मिलते हैं, जो आपको कुछ दिखाया मैंने, तो ये सब जो है ऑल अक्रॉस इंडिया मिलता है, मुश्किल से जहाँ कहाँ नहीं मिलता है, जहाँ इंटेंसिव एग्रीकल्चर, हरियाणा, पंजाब, इधर आपको देसी वैरायटीज़ बहुत कम मिलेंगी, क्योंकि वो पूरा कमर्शियल केमिकल एग्रीकल्चर लैंड्स है, तो जहाँ केमिकल एग्रीकल्चर घुसा नहीं है उधर मिलेगा। तो ये सारे कोई भी इसमें सॉइल में कोई भी इसमें उग जाते हैं? हाँ जी, बाय एंड लार्ज देसी वेजिटेबल्स और वैरायटीज जो हैं वो अपनी गली के कुत्ते जैसे होते हैं, बहुत हार्डी होते हैं, कहीं भी फेंक दो उसको, वो कुछ भी खाएगा वो रहेगा। हाइब्रिड पेडिग्री होता तो उसको बहुत देखभाल करना पड़ता है, तो ये हाइब्रिड वेराइटीज वैसे हैं, लेकिन अपना देसी वैरायटीज बहुत ही तंदुरुस्त है। हाँ, तो दे विल ग्रो एनीवेयर, है ना, दैट इज द ब्यूटी। कोई मुश्किल नहीं आती है इसको उगाने? ना ना ना, इट इज द इजीएस्ट, एक्चुअली इट्स द इजीएस्ट। तो सर, आपने इतना कुछ बोल दिया अपने वेजिटेबल्स के बारे में, अब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जाके खुद देखूँ और कि छू कर देखूँ कि कैसे, कौन से डिफरेंट कलर्स के आते हैं। जैसे आपने बहुत बताया कि बहुत सारे वैरायटीज के होते हैं, तो चलिए आप अगर हमें दिखा सकते हैं कि कौन कौन से वैरायटीज हैं आपके पास। जरूर, इट विल बी माय प्लेजर टू शो यू अराउंड, प्लीज कम, आइए। तो इस एपिसोड में हमने जाना और समझा कि कौन कौन से ऐसे एक्सटिंक्ट वेजिटेबल्स हैं जो आप भी उगा सकते हैं एज अर्बन फार्मर भी।
अगले एपिसोड में हम देखेंगे और बहुत कुछ जानेंगे प्रभाकर जी से। तब तक के लिए बने रहिए और ये भी जानिएगा कि क्या हम अगला सीखने वाले हैं। एंड आई एम श्योर मैं कुछ इंटरेस्टिंग और सर कुछ इंटरेस्टिंग ही बताने वाले हैं। तो तब तक के लिए बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीडम, गेट वाइज ब्रेक फ्री। ये ब्लैक स्ट्रॉबेरी टोमेटो है, ये जब पकेगा तो बिल्कुल काला हो जाएगा। ये स्वीट होता है, शिमला मिर्च है लेकिन ब्राउन कलर में है और स्वीट है। ये एक भिंडी का वैरायटी है, टेंटेन भिंडी। हाँ, ये भिंडी का वैरायटी है, टेंटेन बहुत ही अद्भुत वैरायटी है। काजू का फ्लेवर आता है इसमें, है ना। तो वो लोग जो है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि कैश्यू डाले कोई डिश में, तो इसको जो है पीस के डाल देते हैं। और बहुत डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है। हमारे वृक्ष आयुर्वेद में इसका डिस्क्रिप्शन है।